कल तक जिसे पानी पी पी कर गरिया रहे थे, खुले मंचों से अपशब्दों का प्रयोग कर कटाक्ष कर रहे थे, अब उन्हीं के दरबार में हाजिरी लगाई जा रही है। कहा जाता है कि राजनीति अवसर का खेल है और इस अवसर को पहचानने में नेताओं से, खासकर ओम प्रकाश राजभर से ज़्यादा चतुर कौन हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है, और खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, वो भी पिछले चार दिनों में दो बार मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ और किस तरह से एक बार फिर से भाजपा और ओम प्रकाश राजभर एक हो सकते हैं, दोनों को एक दूसरे की इतनी कौन सी ज़रूरत है, और आपको बताएंगे कुछ अंदर की बात। कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत मिलते हैं इस सूचना के बाद। नमस्कार, आपसे गुजारिश है, यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुझ कुमार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को होली के दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली। इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। आप सबको मालूम है कि साल 2022 की विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था। अब अमित शाह से उनकी मुलाकात काफी चर्चा में है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ओम प्रकाश राजभर नई सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। इस बात का आधार यह है कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें कि होली से तीन दिन पहले भी ओम प्रकाश राजभर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिले थे, यानी कि पिछले चार दिनों में ओम प्रकाश राजभर की ये दूसरी मुलाकात थी। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह के सामने अपनी बात रखी। अब आगे का फैसला अमित शाह को करना है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दोनों को एक दूसरे की जबरदस्त जरूरत है। इसको हम समझेंगे क्योंकि पूर्वांचल में लोकसभा की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं 14 लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर राजभर समाज का वोट नतीजों का के लिए निर्णायक होता है। ऐसे में बीजेपी के लिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि साल 2017 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद भी दिया था, लेकिन बीच में ही राजभर ने अपना मन बदल लिया और वो भाजपा से अलग हो गए। इसके बाद साल 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट काफ़ी निर्णायक होता है, यानी कि राजनीतिक समीकरण को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस राजभर समाज के वोटों के दम पर ओम प्रकाश राजभर लगातार इधर से उधर पाला बदल रहे हैं, क्या उनके समर्थक और वोटर भी पाला बदल पाएंगे या फिर पाला बदलना चाहेंगे। हम सब ने देखा था कि किस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही समाज से आने वाले तमाम नेताओं को, चाहे वो वाराणसी के अनिल राजभर हों जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री भी थे, और या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हों, इन लोगों को लगातार लोडर और स्टूल मंत्री कहकर बुलाते रहे ओम प्रकाश राजभर। वाराणसी में अपने बेटे के पर्चा दाखिला के दिन ओम प्रकाश राजभर के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है, अब उसी योगी सरकार में शामिल होने के लिए गुणागणित जारी है। यही राजनीति है जिसका उद्देश्य राज करना होता है। अब बात करते हैं भाजपा और सुभाषपा को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है। आपने देखा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी एक तरफ पश्चिम से लेकर अवध तक बहुत मजबूत नजर आई, वहीं पूर्वांचल के चार जिलों में भाजपा का खाता तक नहीं खुला। गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, बस्ती, बलिया, जौनपुर में बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसा कि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और साल भर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका एक उदाहरण फिर से दिखने लगा है। बीजेपी अभी से
2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। यहां तक कि 10 तारीख को चुनावी नतीजों के आने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साल 2024 के चुनाव का जिक्र कर दिया। उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय का लगभग 3% वोट माना जाता है, लेकिन पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% तक है। मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो राज्य की लगभग 40 से 50 विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं, जिसका इफेक्ट हाल में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पहली बार लगभग 15 साल के संघर्ष के बाद ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी जैसी किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन और समझौता करने का मौका मिला था। साल 2016 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मऊ के रेलवे मैदान में ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेने की घोषणा करके उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने एक बड़ा दाव खेला था। माना जाता है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिला था। वहीं सुभाषपा को भी 4 विधायक मिले। इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती तोड़ दी। भाजपा के लोगों का कहना था कि राज्य मंत्रिमंडल में वाजिब हिस्सेदारी ना मिलने से नाराज थे ओम प्रकाश राजभर, जबकि ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की न करने की वजह से उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि यदि ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा का दामन थामते हैं तो क्या वे फिर से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए जिद करेंगे, या फिर सत्ता की मलाई के आगे सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों के लिए 5 साल से अधिक विपक्ष में रहना नुकसानदायक होता है। वहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का प्रभाव अभी बहुत ही कम है, या फिर कह लें कि कुछ ही जगह पर है, वो पूर्वांचल में ही है ज्यादातर। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को मालूम है कि यदि वे फिर से 5 साल सत्ता से दूर रहे तो पार्टी को चला पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर राजनीति सत्ता का और कुर्सी का खेल है। दिन रात अपनी पार्टी, अपने नेता के लिए मेहनत करने वाला कार्यकर्ता और जाति के नाम पर समर्थन देने वाले लोग क्या सोचते होंगे जब उनका नेता इस तरह से झटके से पाला बदलता होगा। मुझे नहीं मालूम कार्यकर्ताओं के दिल पर क्या गुजरती होगी। कल तक जिसे गालियां दे रहे थे आज उसी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। दुनिया की ताकत लगा लेना मोदी जी, ओम प्रकाश राजभर पटक के चढ़ बैठूंगा, छाती का हाथ टूट जाएगा। ये कुवत पैदा कर लिया है ये देश में, हमने है ही हिस्सा चाहिए, गुलाम बनाने आए गुजरात से, आरक्षण सारी सब सारा विभाग बेच रहे हैं। हम लोग, हमारे नौजवान, हमारी माँ बहन बहने पढ़ लिख रही है नौकरी के लिए, ये प्राइवेट कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करने वाले मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, ये सोच लेना ये ओम प्रकाश राजभर है। पहले तो यूपी से विदाई कराऊंगा और 2024 में तुझे गुजरात पहुंचा करके दिखाऊंगा। दुनिया में एक नंबर का झूठा अगर कोई नेता हो तो वो नेता का नाम हो नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई हो तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। अब आप लोग कहबा कि झूठ बोलत हो, अब हम बता दे चला, अपने अपने मोबाइल के गूगल पे जाके पूछा कि दुनिया में सबसे झूठा नेता के हो, तब गूगल बाबा कहना मोदी जी। अब ऐसे में कोई नेता कैसे कह सकता है कि वो विचारों की लड़ाई लड़ रहा है। क्या जिन मुद्दों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ नाता तोड़ा था वो मुद्दे अब भी जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि सबसे निचले स्तर की भाषा का प्रयोग किसी ने किया तो वो थे ओम प्रकाश राजभर। कुल मिलाकर इस तरह की सारी घटनाओं का सार ये है कि किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए अपने निजी संबंधों को खराब न होने दें। जो आज धुर विरोधी दिखते हैं हो सकता है कल वो एक साथ हों, ये कुर्सी चीज ही ऐसी है। ओम प्रकाश राजभर के इस एक्शन को आप किस तरह से देखते हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।